आसन करने के बाद में प्राणायाम का नंबर आता है। योग के 8 अंग होते हैं, उनमें आसन के बाद की जो सीढ़ी है वो प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को बढ़ाना, सांसों को बढ़ाना। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का जीवन काल गिनती की सांसों का है। हमारी सांस का लेखा जोखा ईश्वर भगवान के पास रहता है कि इतनी सांस होने तक हमारा जीवन चलेगा, ये सांसें पूरी हो जाने के बाद में जीवन नष्ट हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। व्यक्ति मृत तब घोषित होता है जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो सांसें तो गिनती की हैं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो सांसें आप कम समय में खर्च कर लो या उन सांसों को आप ज्यादा समय में खर्च कर लो। आपके पास एक निश्चित धनराशि है, अब उस धनराशि को आप धीरे धीरे खर्च करोगे तो लंबे समय तक चलेगी, वो एकदम से खर्च कर दोगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। वही स्थिति श्वासों की है। श्वास प्राणायाम को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण धन आयाम, प्राण मीन्स जीवन और आयाम मीन्स बढ़ाना, तो जीवन को बढ़ाना प्राणायाम है। अब एक उदाहरण देंगे आपको, मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांसें लेता है विज्ञान के छात्र जानते होंगे, मैक्सिमम 18 बार, एक मिनट में 18 ब्रीदिंग होती है मनुष्य की। और मनुष्य की औसत आयु कितनी है, 100 वर्ष, 100 वर्ष औसत आयु आंकी गई है मनुष्य की। कछुआ देखा है आप लोगों ने, कछुए की एक मिनट की जो ब्रीदिंग होती है वो 6 होती है, 6 सांसें लेता है एक मिनट में, और कछुए की औसत आयु है 300 वर्ष, 300 वर्ष जीता है कछुआ। अब आप देखिए मनुष्य से 3 गुना कम सांसें लेता है कछुआ और मनुष्य से 3 गुना ज्यादा उसकी आयु होती है। कछुआ 6 सांसें लेता है तो मनुष्य 18 सांसें लेता है, कछुआ 300 वर्ष जीता है तो मनुष्य केवल 100 वर्ष जीता है। कहने का अर्थ यह है कि कछुए ने मनुष्य से 3 गुना कम सांसें ली तो मनुष्य से 3 गुना ज्यादा जीवन हो गया उसका। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांसों की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो जाती है, अवधि लंबी हो जाती है सांसों की। अब वैसे तो एक मिनट में 18 सांसें लेने वाले थे हम, लेकिन जब प्राणायाम शुरू किया, अनुलोम विलोम कोई ले लें, बहुत से लोग बच्चे जानते भी होंगे अनुलोम विलोम की विधियां। अनुलोम विलोम में एक बार सांस खींची लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ी तो एक ब्रीदिंग हुई। अब खींचने और छोड़ने में अगर आप 10-10 सेकंड भी लगाओगे तो 20 सेकंड में आपकी एक ब्रीदिंग हुई, तो एक मिनट में कितनी हो पाएंगी, 3 हो पाएंगी ना, अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो 18 से 15 सांसें बचा ली हमने। अब एक वैसे अब मान लीजिए किसी का जीवन 15 सांसों का ही बचा हुआ है तो वो तो वैसे तो नॉर्मली तो वो एक मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 18 सांसें तो एक मिनट में ले लेनी है उसको। लेकिन अगर वो प्राणायाम कर रहा है तो वो एक मिनट में 3 सांसों के हिसाब से 15 सांसें 5 मिनट में लेगा। अनुलोम विलोम अगर कर रहा है या दूसरा प्राणायाम कर रहा है तो वो उन 15 सांसों को 5 मिनट में खर्च करेगा, तो 4 मिनट का जीवन बढ़ गया ना मनुष्य का। तो इसलिए प्राणायाम को शामिल करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम जीवन को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि प्राणायाम के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम अपने शरीर में लेते हैं और वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है, ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, जिससे बहुत सारे विष, बहुत सारे टॉक्सिन जल जाते हैं शरीर के।